हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो है कनाडा में आपको कार ड्राइविंग के लाइसेंस जल्दी से जल्दी कैसे लेने हैं, इस चीज़ के ऊपर। सो मैंने जो है ना ऑलमोस्ट मेरे को आए यहाँ पर 3 मंथ हो गए हैं और कनाडा में आते ही मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था, ग्रैब कर लिया था। सो वो मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आप ड्राइविंग में बिल्कुल बिगनर हो तो आपको 1 से 2 साल तक वेट करना पड़ सकता है फुल कंप्लीट लाइसेंस, जो जी लाइसेंस है मैक्सिमम लेवल का कार्स के सेक्शन में, वो लेने के लिए। सो मैंने कैसे 3 महीने के अंदर अंदर अपने लाइसेंस ग्रैब कर लिए। सो 3 महीने नहीं, वैसे मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर ही लाइसेंस ले लिए थे। सो वो मैंने कैसे लिए आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताता हूँ, अगर आपको कार ड्राइव करनी है उसके लिए आपका लाइसेंस होगा जी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अभी हूँ सडबरी में, और ओंटारियो में जो है ना, आपको ओंटारियो प्रोविंस में आपको जी लाइसेंस बनाना है कार ड्राइविंग के लिए। ये अलग अलग लाइसेंस होते हैं अलग अलग प्रोविंस के। जैसे अगर आपको सरी वगैरह वाले सेक्शन में लाइसेंस लेना है तो उसके अलग क्लास होती है, जो ओंटारियो प्रोविंस में है ना वो जी क्लास है, जी सेक्शन आता है कार्स के लिए। यहाँ पर मोटरसाइकिल का अलग से लाइसेंस बनता है, ट्रकिंग और बस का अलग से लाइसेंस बनता है। ओके, सो कार्स के लिए सबसे पहले होता है G1। G1 में दोस्तों आपको जस्ट रिटन टेस्ट होता है, रिटन मतलब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, उसमें 40 क्वेश्चन आने होते हैं और वो 40 क्वेश्चन आपको जो है ना कंप्लीट करने हैं। उनमें से आपके 36 आई बिलीव सही होने चाहिए और 4 आपके गलत हो सकते हैं। और इसके अलावा G1 बनने के बाद अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप कोई एक्सपीरियंस नहीं लेके आ रहे लाइसेंस के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने रोड क्रॉस करनी है तो कार्स जो है ना पहले रुकेंगी पेडेस्ट्रियन के लिए, जैसे मैं रोड क्रॉस कर लूँगा फिर कार्स मूव करना शुरू होंगी। सो ये चीज़ मैंने पहले भी दिखाई है और अभी फिर से दिखा रहा हूँ, काफ़ी सही चीज़ है ये सेफ्टी के लिए। ओके, एनी हाउ, सो अगर आपने G1 बना लिया और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा G2 के लिए। G2 के लिए आपको 1 साल तक वेट करना है। अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से अपनी क्लासेस ले लोगे, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आपके 4 मंथ जो है ना 4 मंथ्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब फिर आपको 8 मंथ वेट करना है, साल पूरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है G2 के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कल परसों की बर्फ़ पड़ रही है और आज जो है ना बर्फ़ थमी है और मौसम काफ़ी सही हो रहा है। हाँ ऑफकोर्स माइनस में टेम्परेचर तो है, हवा भी चल रही है लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो दैट्स वाई यहाँ पर माइनस टेम्परेचर में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती। सो अब बात करते हैं, मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है, इंडिया का लाइसेंस पहले से बना है, आपको इंडिया से ना DL एक्सट्रैक्ट लेके आना है, बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, जस्ट आपके 100-200 रुपए ही लगेंगे इंडिया में और आपको DL एक्सट्रैक्ट लेके आना है। मेरे पास ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस था, सो मैं DL एक्सट्रैक्ट अपना लेके आया था। सो अगर आपके पास कंप्लीट 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आप G2 जो लाइसेंस है ना उसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पर बस आपको अपना लाइसेंस जो है ना वो नया बनवाना है, इंडिया वाला जो चिप वाला होता है। अगर आपका लाइसेंस ज़्यादा पुराना है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। सो आप इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले कि अगर आपका लाइसेंस पुराना है, चिप वाला नहीं है, तो दोस्तों आपको जो है ना वो लाइसेंस वैलिडेशन नहीं रहेगी, वो वैलिड नहीं रहेगा वो लाइसेंस। सो इसके लिए जस्ट मेन पॉइंट यही है कि आपको अपना नया लाइसेंस लेना है जो चिप वाला रहता है। G2 मान लो आपने स्किप कर दिया तो आप डायरेक्टली G लाइसेंस बनवा सकते हो जो कि हाईवे के ऊपर आपका टेस्ट होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा जब आप टेस्ट दे रहे हो उससे पहले आप यहाँ से किसी इंस्ट्रक्टर से क्लास वगैरह ज़रूर ले लो क्योंकि उनको पता होता है कि वो मेन की पॉइंट्स बता देते हैं कि वो क्या चेक करने वाले हैं और आपको क्या करना है। सो जब आप क्लास लेते हो तो आपको इंस्ट्रक्टर ये चीज़ें क्लियर कर देगा। सो ये चीज़ों को जो वो आपको बताएगा, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो, ऑफ कोर्स आप पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाओगे।
सो इसलिए आई रिकमेंड कि क्लास ज़रूर लेना, और इंडिया से अगर आपका लाइसेंस पहले से बना हुआ है, अगर नहीं बना तो जल्दी से बनवा लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कार एक यहाँ पर नेसेसिटी है, बिकॉज वेदर यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा, और वेदर से बचने के लिए आपको कार की ज़रूरत है। सेकेंडली, बसेस यहाँ पर 15-15 मिनट का जो सफ़र है ना, वो एक एक घंटे में क्लियर करती हैं। सो मुझे तो ये जस्ट एक टाइम वेस्ट लगता है कि अपना सफ़र में टाइम वेस्ट करना, क्योंकि बस में बैठकर हम कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव कर नहीं सकते। इसलिए रिकमेंडेशन सिर्फ यही है कि कोई सस्ती सी कार ढूंढ लो, और उसके ऊपर आप डिलीवरीज़ वगैरह कर सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो कहीं पर भी जाने के लिए। सो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इंडिया में कार एक फ्लैक्स हो सकता है, शो ऑफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक नेसेसिटी है। सो अब मैंने आपसे बात की। ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट लाइसेंस। सो मैंने जो है ना ऑलमोस्ट लाइसेंस अपने तीनों के तीनों कवर कर लिए हैं, और अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ हाईवे पर भी, किसी भी जगह पर। सो स्पेशली अगर मेरे को दूसरी प्रोविंस में जाकर रहना पड़ेगा, तो मेरे को अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और यहाँ पर लाइसेंस के कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते। $60 फीस रहती है तीनों ही लाइसेंस के आसपास, यही फीस रहती है। 60 G1 की, G2 की भी 60, और G3 की, G3 डायरेक्टली G होता है फिर। और G लाइसेंस लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। G2 के ऊपर जब मेरा G2 लाइसेंस बना था, मेरे को इंश्योरेंस कार की पड़ रही थी 340 बिना किसी डिस्काउंट के, और अब मैंने G लाइसेंस बनवा लिया, और अब मैंने कॉल करके पता किया, सो मेरे को डायरेक्टली लाइसेंस G पर इंश्योरेंस पड़ रही है 220। सो आप देख सकते हो $120 का फ़र्क पड़ गया है एक लाइसेंस से, क्योंकि G एक बिल्कुल प्रोफेशनल मेन हाई लेवल हो जाता है कि ये बंदा फुल एक्सपर्ट है कार ड्राइविंग में। सो आपको भी अपने लाइसेंस जल्दी से जल्दी कवर करने हैं अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए। सो जैसे जैसे मैं कार ड्राइव करता जाऊंगा, मेरी जो इंश्योरेंस है ना, वो टाइम टू टाइम और कम होती जाएगी। ओके गाइस, एक चीज़ मिस हो गई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गाइस आपने एक्सट्रैक्ट ले लिया इंडिया से, और आप G1 दे चुके हो, G2 आपको स्किप कर दिया है आपने मान लो, तो G की जो डेट्स हैं वो काफ़ी लंबी मिलती हैं। मतलब अगर आप आज टेस्ट बुक कर रहे हो, तो आपको अगले महीने की या फिर 1.5-2 महीने का गैप हो सकता है जब आप बुक करोगे। सो इसको जल्दी से जल्दी कवर करने का तरीका सबसे बेस्ट ये है कि जैसे मान लो आपने टेस्ट बुक कर दिया, तो आप टेस्ट को रीशेड्यूल कर सकते हो। सो मैंने भी ऐसे ही किया था। लेट अज्यूम मैंने टेस्ट बुक किया है आज, और मेरे को अगले 1.5 महीने की डेट मिली है कि आज जो है ना अगले मंथ जाकर आपका टेस्ट होगा रोड पर। सो आपको करना क्या है, वेबसाइट पर जाकर अपना टेस्ट रीशेड्यूल करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना अपना टेस्ट जो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई और काम होता है उस दिन, वो फ्री नहीं होते। सो इस तरीके से आपको जो 1.5 मंथ पहले की टाइमिंग आ रही है ना, वो कम होकर जितनी जो डेट होगी वो हो जाएगी। लिटरली मेरे केस में 1.5 मंथ की थी, तो मैंने जो है ना रीशेड्यूल किया 2 बार। 3 बार आप 6 महीने के अंदर अंदर रीशेड्यूल कर सकते हो। अगर आपने 3 बार कर लिया है, तो इससे ज़्यादा आपका रीशेड्यूल नहीं होगा टेस्ट। मैंने आपको ये चीज़ कवर करने की कोशिश की है कि जब आपकी डेट टेस्ट की ज़्यादा लंबी आ जाए, तो आप रीशेड्यूल करके पीछे की टेस्ट की डेट बुक कर सकते हो अगर अवेलेबल हो तो। मेरे केस में लिटरली 10 दिन का गैप आ गया था, पहले 1.5 महीने का था, तो मैंने रीशेड्यूल किया तो फिर पीछे चली गई डेट, और फिर से मैंने चेक किया तो फिर मेरी जो लिटरली 10 दिन के गैप के अंदर अंदर मेरा लाइसेंस की मेरे को डेट मिल गई, और वो मैंने टेस्ट बुक कर दिया, तो मैं उस टेस्ट के ऊपर पास भी हो गया और मेरे पास G लाइसेंस मिल गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप लाइसेंस अपना ले लोगे, तो आपको ऐसी ये स्लिप दे देंगे, और ये जो लाइसेंस है ना, ये पोस्ट या पार्सल के ज़रिए आपके घर पर आएगा। सो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा G2 और G, और जब आपने लाइसेंस टेस्ट पास कर लिया है, तो आपको वो कार में ही बता देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट ऑल द मिनिस्ट्री पॉइंट्स। तो आपको लिटरली जो है ना, ये उसी टाइम ये लिस्ट मिल जाएगी, और आप इस लिस्ट के साथ भी ड्राइव कर सकते हो, और आपको ये लाइसेंस जो है ना कार्ड 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पर आज मेरी क्लास है 8:30, ये है HVAC बिल्डिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कैम्ब्रियन कॉलेज की हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग लैब्स,
सो दोस्तों अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हो सडबरी में आना, सो ये कॉलेज आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा कॉलेज है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में आपको यहाँ पर कोर्स देखने को मिल जाएंगे, मैकेनिकल फील्ड में कुछ भी हो, यहाँ पर बहुत बड़ा कॉलेज है। कैंपस, ये मेन कैंपस है सडबरी में, कैम्ब्रियन कॉलेज बैरीडाउन, कैम्ब्रियन कॉलेज की ब्रैम्पटन में भी ये ब्रांच है हैंसन, वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उस कॉलेज में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो सडबरी में तो RNIP प्रोग्राम भी परमानेंट हो गया है जो कि आपको PR के लिए हेल्प करेगा। सो जो लोग प्लान कर रहे हो डेफिनेटली मूव करो और एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मूव करो, आप बहुत जल्द सक्सेसफुल होने वाले हो। सो दिस वॉज दी वीडियो फॉर टुडे, कैसी लगी वीडियो डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।